हाय, माय नेम इज पारुल दीवान। आज मैं आपको मैरिड लाइफ का एक वो पहलू बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी उस सेंस में कि भले ही आपकी आपस में रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो तो ये पहलू जरूरी है, और अगर रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो भी ये बहुत जरूरी है। तो पहले हम बात करते हैं वो पहलू क्या है, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको उसका इमोशनल एस्पेक्ट बताऊंगी। अभी मैं उसका फिजिकल एस्पेक्ट बता रही हूँ, ठीक है। मैरिज के बाद ऐसा होता है ना कि अगर नहीं होता है तो आप लोग इस तरीके से वो ऑटोमेटिकली हो जाता है कि हस्बैंड की एक तरीके की रिस्पांसिबिलिटीज हो जाती है और वाइफ की एक दूसरे तरीके की रिस्पांसिबिलिटीज हो जाती है। तो एग्जांपल अगर हम ले लें कि वाइफ जो है बच्चे की पढ़ाई लिखाई देखने लगती है, या उसके को करिकुलर एक्टिविटीज में ध्यान जाता है, या उसके पेरेंट टीचर मीटिंग, टीचर्स से मिलना, वो सपोज करिए वाइफ की रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है। हस्बैंड एक रिस्पांसिबिलिटी ये लेते हैं कि ठीक है, जो घर का बजट है, जो फाइनेंसेस हैं, वो पूरी मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। घर में जो बिल्स पे करने हैं वो मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। जो बड़ी बड़ी चीजें हैं घर में, जैसे घर खरीदना है, कार खरीदनी है, एक्सेट्रा, वो मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। वाइफ की और एक रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है कि मान लीजिए कि घर में गेस्ट हैं, या गेट टुगेदर्स ऑर्गेनाइज करने हैं, या फेस्टिवल्स करने हैं, तो प्राइम रिस्पांसिबिलिटी वो वाइफ की है। और इस तरीके से हस्बैंड भी और रिस्पांसिबिलिटीज ले लेते हैं, राइट। ये रिस्पांसिबिलिटीज लेके हम लोग काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है तो कंफर्ट ऐसे है कि ठीक है, मुझे क्या करना है मैं कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड को क्या करना है वो कर रहे हैं, हमें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी एक दूसरे की ड्यूटीज हैं हम लोग समझते हैं और अपने अपने रिस्पांसिबिलिटीज को पूरा कर रहे हैं। अच्छी चल रही है तो ठीक है, मेरे हस्बैंड ये कर रहे हैं, मैं ये कर रही हूँ, सब कुछ ठीक है, ठीक है। लेकिन खुदा ना खास्ता लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जहां पर एक स्पाउस जो है इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, या ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जहां पर एक सेपरेशन या डिवोर्स की नौबत आ जाती है। वहां पर जब आप अकेले रह जाते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो आपके साथ, लेकिन जब आप अकेले रह जाते हैं उस टाइम पे हाथ पांव फूलते हैं, बिकॉज उस टाइम पे ये नहीं समझ में आता है आप क्या करें। अगर आप हस्बैंड हैं, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि बच्चे की क्लास टीचर कौन है, को करिकुलर एक्टिविटीज में टीचर कौन है, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कहाँ तक सिलेबस है, वो बच्चा किस तरीके से पढ़ता है, उसको क्या ज्यादा पसंद है पढ़ना, किस क्या उसकी स्ट्रैटेजीज हैं पढ़ने के लिए। आप एज अ हस्बैंड आप लॉस्ट हो जाते हैं अगर वो रिस्पांसिबिलिटी आपकी वाइफ की थी तो। अगर आप वाइफ हैं तो आप ये लॉस्ट हो जाते हैं कि अरे बाप रे, वो ऑनलाइन बिल्स कैसे पे करने थे, वो फोन तो मेरे को चार्ज नहीं करना आता तो मेरे हस्बैंड प्री पे कर देते थे फोन को, या मेरे हस्बैंड की FDs कहाँ है, क्या है, नॉमिनी है कि नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है जहां पर इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल होते थे। तब आप बहुत बुरी तरह फंस जाते हो, एंड उस टाइम पे आपको रियलाइज होता है कि भले ही मैरिज अच्छी ना चल रही हो या अच्छी चल रही हो, कितना फिजिकली हम लोग डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। रिस्पांसिबिलिटीज होना जरूरी है, उसको सेग्रीगेट करना जरूरी है। एट द सेम टाइम ये भी जरूरी है कि जो आपकी स्पाउस की रिस्पांसिबिलिटीज हैं, जो भी काम है, ड्यूटीज हैं, आपको भी वो पूरे तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स आपके हस्बैंड फाइल करते हैं, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम क्या है, उसका नंबर क्या है, उसकी जो टीम है जिसको वो कांटेक्ट करते हैं उनका नंबर क्या है, वो सारे डिटेल्स आपके पास होने चाहिए। बेसिकली ये कि दोनों को एक दूसरे की रिस्पांसिबिलिटीज का पता होना चाहिए, और बीच बीच में महीने में एक दफा, दो महीने में एक दफा रोल चेंज करो। हस्बैंड वाइफ का रोल करेंगे, जो रिस्पांसिबिलिटीज है वाइफ हस्बैंड का करेंगी, वो रोल्स चेंज करो सो दैट आप लोग को समझ में आए कि एक दूसरे का क्या काम है, कैसे करना है, ठीक है। ये रही फिजिकल एस्पेक्ट की बात, अब रही इमोशनल डिपेंडेंसी, है ना। वो इमोशनल डिपेंडेंसी जो है वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करिए, और कोई क्वेश्चंस होंगे तो जरूर मेरे से आप फेसबुक में या इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच,
आज के लिए इतना ही, नमस्कार, बाय बाय। Hi, my name is Parul Diwan, and as a relationship coach, I have noticed that when marriage gets into trouble, it's the woman who starts to give in a lot in the relationship, to the extent that she loses herself, sometimes she loses her dignity, she sacrifices her career, and still she does not get what she is looking for. That's the time she feels stuck, and some women also start to think whether they should stay in the marriage or should they leave. Don't worry, I am coming to you with my podcast called From Mates to Soulmates, where I am going to tell you how to rediscover yourself and also revive your relationship with your husband. And From Mates to Soulmates is not just the podcast, it's also the book that I have written, which is based on the true story of my client. So, kuch baaton ka matlab aur kuch matlab ki baatein, kya matlab? हस्बैंड वाइफ के बीच में जो बातें होती हैं, हमें उनका कैसे मतलब निकालना चाहिए कि वो जो एक रिलेशनशिप है वो बहुत ही खूबसूरत बनती चली जाए समय के साथ, और कुछ मतलब की बातें भी हम आपके साथ करेंगे. स्टे ट्यून टू दिस पॉडकास्ट फ्रॉम मेट्स टू सोलमेट्स, एंड आई विल सी यू सून. टेक केयर, बाय.